हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो है वो बहुत ही नॉलेजफुल है और इस वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखें ताकि आपकी लाइफ में कहीं भी काम आ सकता है और आप के लिए हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, जब भी किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो डेथ होने के बाद भी वह 4 से 6 मिनट तक जिंदा रहता है, तो उसके बारे में आपको इसमें थोड़ा डिटेल से बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, जब किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो 2 प्रकार से डेथ होती है। तो उसमें सबसे पहला होता है क्लिनिकल डेथ और बायोलॉजिकल डेथ, 2 प्रकार मैंने आपको बता दिए। इसका हम दोनों का अंतर जानेंगे और आपको इसमें पता होना चाहिए कि इससे का अगर आपको नॉलेज है तो आप मरे हुए व्यक्ति को भी, आपके पास समय रहते हुए अगर आपके पास समय बचा हुआ है तो आप उसको ज़िंदा कर सकते हैं। और लगभग 60 से 80% चांस होते हैं कि व्यक्ति वापस सर्वाइव कर जाता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसमें बताता हूँ कि जो क्लिनिकल डेथ, ये मैंने एक साइट खोल रखी, इसमें मैं आपको पढ़ के बताऊँगा ताकि कोई चीज़ें छूट ना जाए। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है, क्लिनिकल डेथ इज व्हेन योर हार्ट स्टॉप पंपिंग ब्लड। क्लिनिकल डेथ उसको बोलते हैं जब आपका हार्ट है, हार्ट जब पंपिंग करना बंद कर देता है। मैं आपको देसी भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा, जब हार्ट है बिल्कुल बंद कर देता है, जब धड़कना बंद कर देता है तब वह क्लिनिकल डेथ में चला जाता है। और स्वाभाविक बात होती है, जब हृदय धड़कना बंद कर देगा तो आपका सांस लेने की जो कैपेसिटी है, आप जो सांस लेते हैं वो भी आपका ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र का जो काम करता है, सांस लेने का काम होता है, वो ऑटोमेटिकली आपका बंद हो जाएगा। जब हार्ट बंद हो जाएगा, ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, पल्स बंद हो जाएंगी, तो इसके बाद में इसको हम क्लिनिकल डेथ बोलते हैं इसको। और जब क्लिनिकल डेथ हो जाती है तो उसके बाद में व्यक्ति के पास 4 से 6 मिनट होती हैं कि उसको वापस वह सर्वाइव कराने के लिए, वापस जिंदा करने के लिए, उसको पुनर्जीवित करने के लिए, जिसको हम CPR भी बोलते हैं, वो दे दें अगर समय पर तो वह दोबारा से पुनर्जीवित हो सकता है। क्योंकि जो ब्लड है, जब ब्लड बंद होता है तो शरीर में जब ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, ब्लड हर सेल्स तक नहीं पहुंच पाएगा, तो वहां तक ब्लड जाएगा तो ब्लड अपने साथ में ऑक्सीजन भी लेके जाता है। किसी सेल्स को, किसी ऊतक को, अगर टिश्यू को जिंदा रहना होता है तो उसके लिए ब्लड प्लस ऑक्सीजन दोनों की चीज़ों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ब्लड के साथ ही ऑक्सीजन जाता है। तो अगर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाई कुछ समय के लिए तो वह ऑटोमेटिकली ही वो सेल्स है वो डैमेज हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। तो आपको क्लिनिकल डेथ का मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर हार्ट का अपना काम करना बंद कर दे और रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगर आपका श्वसन जो सांस लेने का जो कैपेसिटी है, जो फेफड़े होते हैं वो अगर अपना काम बंद कर देंगे तो उसी को हम क्लिनिकल डेथ बोलते हैं। जैसे ही क्लिनिकल डेथ हो जाती है उसके बाद में व्यक्ति चला जाता है बायोलॉजिकल डेथ की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, मतलब बायोलॉजिकल डेथ की तरफ ही बढ़ जाता है। तो बायोलॉजिकल डेथ में ये चीज़ें आती हैं, इसमें लिखा हुआ बायोलॉजिकल डेथ इज वेयर द विक्टिम्स ब्रेन इज डैमेज, यानी कि विक्टिम का जो ब्रेन होता है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा। वो डैमेज क्यों होगा? क्योंकि उस विक्टिम का जो भी व्यक्ति होता है, जो पीड़ित होता है, उसके जो ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि रुधिर नहीं पहुंचेगा, ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, खून नहीं पहुंच पाएगा, तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी। इस कारण से क्या है, जो ब्रेन होता है, ब्रेन की जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएँ होती हैं, वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। इसमें लिखा हुआ है एंड सेल्स इन द विक्टिम हार्ट्स ब्रेन एंड अदर ऑर्गन है वो डाई फ्रॉम ए लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी से वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो डेथ करना शुरू हो जाते हैं। द डैमेज कॉज्ड बाय द बायोलॉजिकल डेथ, यही कारण है जो बायोलॉजिकल डेथ हो जाता है। जब व्यक्ति, इसमें एक अंतर और है, जब बायोलॉजिकल डेथ हो जाती है तो व्यक्ति को हम बचा नहीं सकते, वो क्लियरली वो है वो डेथ कर गया, यानी कि उसमें कोई उसको बचा। लेकिन अगर क्लिनिकल डेथ होती है, क्लिनिकल डेथ यानी कि हार्ट है, हार्ट ने अपना काम करना बंद कर दिया, तो हम उसको बचा सकते हैं, उसको CPR दे सकते हैं। CPR के काफ़ी YouTube पे आपको वीडियो मिल जाएंगे, उनको देख सकते हैं। CPR को देसी भाषा में बोलते हैं पुनर्जीवित बोलते हैं, पुनर्जीवन यानी दोबारा से उसको जिंदा कर देना, यही होता है CPR। इसके बाद में इसमें लिखा हुआ है CPR विल प्रोवाइड एन ऑक्सीजन रिच सप्लाई ऑफ ब्लड,
इसमें CPR की परिभाषा दी गई है। CPR हम देते हैं, CPR का मतलब मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ कि CPR का मतलब होता है जब अपना हार्ट होता है, हार्ट को हम पंप कराने की कोशिश करते हैं। CPR दोनों थैली से लेकर छाती को प्रेस किया जाता है, जहाँ पर अपना हार्ट होता है वहाँ पर उसको प्रेस करने की कोशिश की जाती है, जो छाती का जो लीड होता है लीड उसके प्रेस पंपिंग किया जाता है उसको 30 बार। तो उससे क्या होता है, जब पंपिंग करना हार्ट अगर शुरू कर देता है दोबारा से, तो उसके बाद में क्या ब्लड का खून का आवागमन शुरू हो जाता है, इससे कि व्यक्ति का अगर खून शुरू हो जाएगा तो ऑक्सीजन पहुंचेगा ब्लड के साथ में, तो वह व्यक्ति दोबारा से पुनर्जीवित हो सकता है। लेकिन वो तभी हो सकता है जब क्लिनिकल डेथ के अंदर हम उसको CPR दे देंगे। इसके बाद में इसमें लिखा हुआ है आर्गन टू प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ बायोलॉजिकल डेथ। अगर CPR को हम तुरंत दे देंगे, अगर ब्लड की सप्लाई हो जाएगी, तो बायोलॉजिकल डेथ से हम उस व्यक्ति को बचा सकते हैं। इफ़ ए विक्टिम इज रिसिटेटेड विथ इन द फर्स्ट 4 मिनट, यानी कि व्यक्ति को अगर हम पुनर्जीवित कर सकते हैं वो पहले के जो 4 मिनट उसी के दौरान हम उसको बचा सकते हैं। किससे? ऑफ कार्डियक अरेस्ट, यानी हृदयघात से हम बचा सकते हैं। देयर इज़ द लिटिल चांस ऑफ द परमानेंट डैमेज, यानी बहुत ही कम समय का चांस मिलता है कि परमानेंट डैमेज होने के से बचा सकें। बिटवीन 4 से 6 मिनट बायोलॉजिकल डेथ विल बी सेट, 4 से 6 मिनट के बाद में क्या है बायोलॉजिकल डेथ शुरू हो जाती है, विल सेट एंड देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ परमानेंट ब्रेन डैमेज, यानी कि परमानेंट आपका दिमाग है वो डैमेज हो जाएगा, उसके बाद वो बायोलॉजिकल डेथ हो जाती है, उसके बाद हम व्यक्ति को नहीं बचा सकते। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाह रहा था, अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज है, अगर आपको पता है कि आपके परिवार में या कहीं भी आपको कोई आपका दोस्त कहीं बीच रोड में कोई भी अगर व्यक्ति ऐसा मिलता है कि वो तुरंत जैसे चक्कर खाए गिर गया और उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसकी पल्स बंद हो जाती है, तो आप उसको CPR दे सकते हैं। उसी दौरान तुरंत अगर आप उसको CPR दे देंगे तो उसकी लाइफ को आप बचा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाह रहा था, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो आपको और भी आगे फ्यूचर में मैं डालता रहूँगा। थैंक यू।